नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूँ आज सभी चैनल में इसी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप के डिसेबल हो जाने के बारे में। दोस्तों जैसा कि ये इशू बहुत सालों से आ रहा है और यहाँ पे गूगल मैप पे काफ़ी लोगों की लिस्टिंग जो है चलते चलते डिसेबल हो जाती है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमारी गूगल मैप लिस्टिंग जो है वो डिसेबल हो चुकी है तो हम लोग क्या करें। यहाँ पे डिसेबल दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट डिसेबल होता है, एक नॉर्मली आपकी जो लिस्टिंग होती है वो हार्ड डिसेबल पर चली जाती है। सॉफ्ट डिसेबल में होता क्या है कि मैंने ये देखा है कि कई लोगों की लिस्टिंग गूगल मैप पर शो होती रहती है, यानी गूगल मैप अकाउंट को शो होता रहता है बट नॉर्मली उनको यहाँ पे पैनल पर दिखाई डेटा डिसेबल। और कई लोगों का गूगल मैप जो है वो यहाँ पे बिल्कुल हट जाता है, गूगल से दिखाई ही नहीं देता है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, यहाँ पे गूगल मैप जो लिस्टिंग है वो डिसेबल हो जाने का मेन रीजन ये होता है कि आपने गूगल के कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं जिनकी गूगल मैप लिस्टिंग डिसेबल हो जाती है, बस डिसेबल के पीछे पड़ जाते हैं कि डिसेबल को ठीक करना है। वो डिसेबल ठीक करने से पहले ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार किस वजह से डिसेबल हुआ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि भैया डिसेबल का रीजन क्या है और वो क्या इशू है, तब तक वो डिसेबल की लिस्टिंग गूगल ठीक नहीं करेगा। गूगल पहले ये आएगा पहले अपनी लिस्टिंग को ठीक करिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सर मेरी डिसेबल हो गई थी, मैंने गूगल से कांटेक्ट किया, गूगल ने तो रिजेक्ट मार दिया। अब नॉर्मली बात है, अपील टूल डालोगे तो और गूगल में आपकी लिस्टिंग डिसेबल है तो गूगल खुद से थोड़ा ठीक करेगा, वो तो सिर्फ ऑन करेगा, उसको ठीक करने का काम करेगा पर उसमें पड़े हुए इशू को वो खुद से ठीक नहीं करेगा। गूगल में लिस्टिंग डिसेबल जो होती है अगर आपकी पुरानी लिस्टिंग है तो 101% ठीक हो जाएगी। यहाँ पे डिसेबल लिस्टिंग को ठीक करने के केवल दो तरीके ध्यान रखिएगा। एक तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो लिस्टिंग है उसको किस वजह से डिसेबल हुई है। तो बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, ये सब कुछ गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे गूगल वाले यहाँ पे लिस्टिंग को ठीक नहीं करते हैं। सबसे पहले गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करिए, उसके बाद सबमिट करिए, उसके बाद डिसेबल लिस्टिंग ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके बाद में जब गूगल से कॉन्टैक्ट करेंगे तो गूगल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता है, यानी बैनर का फोटो वगैरह कुछ मांगता है, उन्हें वो देते हैं हम लोग, एंड उसके बाद में जाके आपकी लिस्टिंग जो है वहाँ से डिसेबल से लाइव आ जाती है। तो आपकी कोई भी डिसेबल लिस्टिंग है अगर सस्पेंड हो गई है, डिसेबल हो गई, तो आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करिए, एडिटिंग ज़्यादा मत करिए। अगर ज़्यादा बिना सोचे समझे को छेड़ते जाएंगे तो लिस्टिंग क्या होगी, फिर आपकी बिल्कुल डिसेबल से ठीक नहीं होगी। गूगल ये समझ जाता है कि इतने सारे चेंजेस आपने करें जो गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल सही थे, फिर भी आप उसको नाम को चेंज करने में लगे, डिटेल को चेंज करने में लगे, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो अगर लिस्टिंग डिसेबल हो जाती है तो आप मुझे डीएन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम गूगल मैप लिस्टिंग डिसेबल से ठीक करवा के देते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।